हमारे फजल व करम से हम मक्का मुकरमा की सरजमीन पर हाजिर हैं। अल्लाह करीम हमारी हाजिरी कबूल फरमाए और हमारा हज कबूल फरमाए। अल्लाह करीम इस सफ़र को हमारे लिए मकबूल और बरकत वाला बनाए। मक्का मुकरमा वो पाक शहर है जहाँ पर अल्लाह का प्यारा घर बैतुल्ला शरीफ है और ये वो बाबरकत शहर है जिसकी कस्में अल्लाह ने कुरान में उठाई। फरमाया ला उक्सिमु बिहादल बलद, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे शहर की कसम यानी मक्का मुकरमा की, वान तहिल्लुम बिहादल बलद, इसलिए कि आप ऐ महबूब आप इस शहर में बनी रहे। ये वो बाबरकत शहर है जहाँ पर इमाम अलम्बिया अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत थी। आपका बचपन यहीं पर गुजरा, जवानी यहीं पर गुजरी, यहाँ तक के मिलाने नबूवत भी यहीं से इरशाद फरमाया। मक्के वालों से भी बढ़कर जुल्म किया और जुल्म की इंतहा कर दी। अम्मा जी ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के अंदर सबसे कठिन दिन कौन सा गुजरा है? इमाम अलम्बिया अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया ऐशा सबसे कठिन जो वक़्त है वो ताइफ का सफर था। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अलम्बिया अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर पहुँचे ताइफ वालों ने जुल्म किए, नबी रहमत इमाम अलम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बारहा इस्लाम की दावत देते रहे। हज़रत अदास रज़ी अल्लाहु ताला ने जब हुज़ूर लेकर करीम आका इस्लाम की बारगाह में पहुँचे, नबी रहमत इमाम अलम्बिया अलैहिस्सलाम को कबूल फरमाए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हुज़ूर ने ये कलिमात पढ़े तो वो अदास अर्ज करने लगे, ऐ प्यारी सूरत वाले ये कलिमात यहाँ के लोग नहीं पढ़ते, यहाँ के रहने वाले ये कलिमात नहीं पढ़ते, ये कलिमात कैसे हैं? इमाम अलम्बिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कहाँ का रहने वाला है? अर्ज की मैं निनवा शहर का रहने वाला हूँ और मसीह बरादरी से मेरा ताल्लुक है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर सुन उस इलाके के अंदर जैसे मेरे भाई हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बनकर तशरीफ लाए, मैं भी उन्हीं की तरह अल्लाह का नबी बनकर तशरीफ लाया हूँ। जब करीम आका अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया तो जनाब हजरत अदास रज़ी अल्लाहु ताला हुज़ूर के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। ये ताइफ के अंदर पहले हस्ती पाक है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुज़ूर के हाथ पर, और करीम आका अलैहिस्सलाम को इस कदर खुशी हुई कि हुज़ूर की सारी थकन दूर होगी। महबूब अलैहिस्सलाम के रहमत भरे हाथ उठे और दुआ की, इलाही रहम कर ताइफ के मकीनों पर। वो लोग जो पत्थर मार रहे हुज़ूर के लिए दुआ फरमा रहे। साथ में वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास तो अंदर जान दे सकते, चारों तरफ बंद है, इस तरह बंद से बंद है जी। तो ये है इसके अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की कब्र मुबारक है।
अभी हमारी गाड़ी जा रही है इंशाल्लाह मस्जिद अताश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गाड़ी इसके बिल्कुल राइट साइड सामने ये बाग की जगह है जहां पर हजरत अताश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुआ। ये बाग का एरिया चल रहा है आपके राइट साइड, ये बाग का एरिया सारा। वो आगे जो आपको खजूर के दरख्त नजर आ रहे हैं राइट साइड देखें, आगे जाकर ये देखें खजूर के जो दरख्त नजर आ रहे हैं वो उसी बाग की जगह है। ये वो बाग की जगह है जहां पर हजरत अताश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुआ। अभी आप अपने लेफ्ट साइड देखिएगा इस सवाल, आपके लेफ्ट साइड आपको ये मस्जिद की इजाजत होगी मस्जिद अली की। आपके लेफ्ट साइड ये देखिए ये चालिए लगा के बंद कर दी गई मस्जिद अली। जी जी ये मस्जिद अली आपके लेफ्ट साइड, इसका नाम है मस्जिद अल कुआ मगर मशहूर जो है वो हजरत अली के नाम से। जी आप देखिए माशाल्लाह ये खजूर के जो दरख्त है और वो जो आपको पौधे नजर आए ये अंगूर का बाग है और ये मस्जिद मस्जिद अदास रज़ी अल्लाह ताला जहाँ पे हजरत अदास मुसलमान हुआ। Thank you.